हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मशीन की वर्किंग देखेंगे, किस तरह से मशीन वर्किंग करती है। तो सबसे पहले इस मशीन की सारी प्रॉब्लम डाउन हो चुकी है। प्रॉब्लम डाउन करने के बाद प्रॉब्लम डाउन होने के बाद मशीन को आगे बढ़ा के गए कर लेने के लिए। और ये अब हमारी जो है, जहाँ पर हम चेन को या कटर बार को बाहर करेंगे, वो टूट आ गई है। अब यहाँ पर देखिए, बॉल फिंगर की मदद से जो कि कटर बार है इस मशीन का, उसको बाहर निकाला जा रहा है। मशीन से उतार कर इस गड्ढे में डाला जाएगा, इस पिट के अंदर डाला जाएगा, ताकि हम इसमें चेन जोड़कर मशीन की मूवमेंट करा सकें, मशीन को ऑपरेट कर सकें। तो ये देखिए किस तरीके से भारी भरकम से इस कटर बार और चेन को उस ट्रैक के नीचे डाला जाएगा। ये आगे आप पूरा इसमें देखेंगे। तो अब जो है हमारा ये कटर बार अंदर डाल दिया गया है। अब हम इसके बाद जोड़ी जाएगी चेन, जो कि देखिए आगे इस वर्किंग में आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए, इस तरह से कटर बार को उठाकर दोनों तरफ से चेन ट्रक को जोड़ा जाएगा पिन की सहायता से। पिन की मदद से इनको जोड़ा जाएगा। अरे बाहर करो साहब, इसमें बैलास्ट है, निकालो निकालो ना। अरे ये बाहर करो साहब, बाहर करो। हाँ तो अब चला जाएगा, अंदर करेंगे।
अरे चेन नहीं है यार, नहीं नहीं वो जाने देगा, पत्थर नहीं जाने देगा, ये बोल के पत्थर होता है, चलो निकालो वापस फिर, ये क्या दूर रहेगा ना, एक तो उधम भाई चलो हो जाएगा, चेन दो रुको, उधर जुड़ेगी पहले, इधर नहीं जुड़ेगी, लिफ्ट चढ़ के बंद करना है, अब ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में चेन को जोड़ने का काम चालू किया जा रहा है, कटर बार तो जुड़ चुका है हमारा मशीन के साथ, अब चेन जुड़ जा रही है उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, और जो कि पूरा कम्युनिकेशन है इंटरकॉम के थ्रू होता है, मशीन बहुत बड़ी है तो यहाँ पर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो हेडफोन लगा कर रहते हैं और पूरे कम्युनिकेशन अपने मशीन ऑपरेटर के साथ करते हैं, बराबर जो भी उनको करवाना होता है, मतलब जैसे कि चेन ट्रप अप डाउन अंदर बाहर जो भी का चेन टाइट लूज, ये सब ऑपरेटर के थ्रू इंटरकॉम से कम्युनिकेशन करके किया जाता है। तो देखिए उस तरफ चेन जुड़ जा रही है, अब इसके बाद राइट साइड में भी जुड़ जाएगी, जिसे दिखाया जाएगा जी में, लेफ्ट साइड में चेन जुड़ने के बाद अब राइट साइड में चेन जुड़ जाएगी। तो ये देखिए राइट साइड के लिए तैयारियां प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। इस पूरे काम को होने में, मतलब चेन जुड़ने में कम से कम 10 से 15 मिनट और मैक्सिमम तो कितना भी लग सकता है। हालांकि शुरू टाइम में यह इसमें टाइम लगता था, लेकिन अब तो क्या है प्रैक्टिस में आ गया तो इतना टाइम नहीं लगता, और कभी कभी क्या फंसना होती है तो फंस भी जाता है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड चेन जुड़ने के बाद अब राइट साइड से चेन जुड़ जाएगी, चेन को थोड़ा फॉरवर्ड घुमाएंगे ताकि राइट साइड जोड़ने में आसानी हो। ये देखिए जिस तरीके से चेन को जोड़ा जा रहा है, राइट साइड में चेन जुड़ने में बड़ी तकलीफ आ रही है, क्योंकि यहाँ से चेन चावल काटा गया था। तो ये देखिए पहले चेन को पूरा सेटअप कर लिया जा रहा है ताकि वो बराबर, ये चेन कहीं ना कहीं फंस जाती है ब्लास्ट गिट्टी की वजह से। फिर फॉरवर्ड घुमाओ,
ये देखिए दो नौ टेक्नीशियंस मिलके चेन जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी चेन जोड़कर मशीन को ऑपरेट करवाना होता है, कि जितनी जल्दी चेन जुड़ेगी उतनी ज़्यादा मशीन प्रोग्रेस दे पाएगी या काम कर पाएगी, उतना ही काम करने का इसको वक्त मिल पाएगा। ये देखिए आगे, इसलिए आगे से वीडियो इसलिए नहीं लिया जा ले पा रहे हैं क्योंकि उधर वर्किंग हो रही है और इतनी जगह नहीं थी उस पर। देखते देखते अंदर चला गया, अभी भी है अभी भी है तो दोस्तों फाइनली हमारी राइट साइड की चेन जुड़ गई है और उसके बाद अब स्लीपर जो खिसका जाएंगे उसके बाद डीप स्क्रीनिंग का काम चालू होगा। तो ये देखिए चेन जो कि हमारी जुड़ गई है फाइनली, उसमें बोल्ट वगैरह लगाकर उसको फाइनल किया जा रहा है। और ये देखिए अब इस तरीके से यहाँ पर लेबर द्वारा स्लीपर खिसकाए जाएंगे, स्लीपर खिसकाने के बाद जो कि डीप स्क्रीनिंग का काम चालू हो जाएगा।
का नाम है के दोस्तों। अब हमारी मशीन जो है स्लीपर खसक चुके हैं और अब डीप सी क्लीनिंग के लिए रेडी है। तो देखिए अब सबसे पहले इसका शावल को कुछ घुमाया जाएगा, चेक किया जाएगा चेन टाइट है या लूज़ है। चेन को प्रॉपर जितना चाहिए उतना उतना टाइट रखा जाएगा। और ये देखिए कॉर्ड वायर को चेक किया जा रहा है, फिर कॉर्ड वायर इसमें मेन है लाइनिंग के लिए, लाइनिंग सही और गलत होना इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए सब सही होने के बाद टेक्नीशियन द्वारा मशीन चलाए जाने का ओके दिया जाता है। तो देखिए मशीन चालू हो चुकी है और